हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रेशर ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रेशर ग्रुप्स भी कहते हैं और इंटरेस्ट ग्रुप भी कहते हैं। जैसे कि हम सभी क्या हैं, आज एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, और लोकतांत्रिक देशों में रहते हुए क्या रूल है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए ही क्या है, शासन होता है। ऐसे में एक लोकतंत्र के अंदर सरकार की कार्यप्रणाली को प्रभावित करने के लिए, उनकी नीतियों पर प्रभाव डालने के लिए कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो क्या है, पूरी तरह से राजनीति में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के ऊपर, सरकार के ऊपर पूरी तरह से प्रभाव डालते हैं और उनकी सरकार की नीतियों को चेंज करने के में उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो ऐसे ग्रुप्स को हम प्रेशर ग्रुप्स कहते हैं या दबाव समूह कहते हैं। आज भारत में कई तरह के दबाव समूह हैं। अगर हम एक लिटरल लैंग्वेज में इसको जानने की कोशिश करें तो दबाव समूह क्या है? दबाव समूह अधिकतर क्या है, जो देश के नागरिक हैं वो अपने हित के हिसाब से, अपने प्रोफेशन के हिसाब से इन दबाव समूहों को क्रिएट करते हैं। जैसे डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, टीचर्स हैं, यहाँ तक कि किसान हैं, मजदूर हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका अपना मिलकर वो सभी क्या है, अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन बनाने का के पीछे उनका सबसे बड़ा मकसद क्या होता है, ताकि वो अपने इंटरेस्ट की, अपने इंटरेस्ट की रक्षा कर सकें, सरकार के ऊपर प्रभाव डाल सकें, सरकार की पॉलिसीज़ के ऊपर प्रभाव डाल सकें, ताकि कहीं ना कहीं उनको भी क्या है, इसका फ़ायदा हो सके। तो ये सारे क्या हैं, एक तरह से इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं या प्रेशर ग्रुप होते हैं, जो पूरी तरह से राजनीति में पार्टिसिपेट ना भी करते हुए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर अपना बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे यहाँ पहले हम ये पढ़ेंगे कि नेचर ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, के प्रेशर ग्रुप्स की नेचर क्या है। जैसे कि इंडिया के अंदर हम बात करें तो इंडिया के अंदर डिफरेंट टाइप्स के प्रेशर ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। बिजनेस ग्रुप्स, ट्रेड यूनियन, पीजेंट्स ग्रुप, स्टूडेंट्स ग्रुप, टीचर्स एसोसिएशन, कास्ट, रिलीजियस एसोसिएशन, तो ये सारे क्या हैं, प्रेशर ग्रुप्स ही हैं, जो कहीं ना कहीं मिलकर जिन्होंने अपनी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। अब इन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले है बिजनेस ग्रुप्स। बिजनेस ग्रुप सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं और इन्होंने इंडिया के ऊपर अपना सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला है। ये आज क्या हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी के रूप में काम नहीं करते हैं, बल्कि ये अपने हितों की रक्षा के लिए कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर पूरा प्रभाव डालते हैं। अगर देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे यहाँ पे बिजनेस ग्रुप्स हैं वो क्या हैं, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो ये क्या हैं, सब किससे बिलोंग करते हैं, बिजनेस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। सेकेंड हम बात करेंगे ट्रेड यूनियन की। द इंडियन ट्रेड यूनियन मूवमेंट हैज़ रैपिडली डेवलप्ड, कि आज हमारे यहाँ पर ट्रेड यूनियन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ट्रेड यूनियन क्या है, ये नहीं है कि पहले इंडिपेंडेंस से पहले भी थे, पहले भी औद्योगिक संघ बनाए गए थे, लेकिन आज ये औद्योगिक संघ आज़ादी के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जो कहीं ना कहीं अपना प्रभाव डालते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो क्या है 1920 में बन गई थी। द एमरजेंस ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट आल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, यहाँ तक कि कम्युनिस्ट मूवमेंट ने भी इन प्रेशर ग्रुप्स को डेवलप्ड करने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया था। 1948 में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस आई, और ट्रेड यूनियन इन इंडिया आर क्लोजली एफिलिएटेड विद पॉलिटिकल पार्टीज़, और कहीं ना कहीं ये कहीं जुड़ी होती हैं, ये जो हमारी ट्रेड यूनियन है ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ अटैच होती हैं, और अपने सेफगार्ड के लिए और खासकर ट्रेड के लिए ये कहीं ना कहीं क्या है, एक प्रेशर ग्रुप के रूप में पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर अपना पूरा प्रभाव डालती हैं। नेक्स्ट हम बात करें पीजेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। आज पीजेंट्स ऑर्गेनाइजेशन बहुत बनी हुई हैं, और ये खासकर ये कब बनी, जब जमींदारी प्रथा भारत के अंदर ख़त्म हुई, यहाँ तक कि पंचायती राज आ गया, लैंड रिफॉर्म्स के लिए कई तरह के पॉलिसीज़ बनाई गई, ग्रीन रेवोल्यूशन मूवमेंट भारत के अंदर आया। तो इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे किसानों ने अपने संगठन बनाए, ताकि किसानों के हितों की रक्षा के लिए काम हो सके। जैसे कि हम कहेंगे 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा आई, 1942 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, एक पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में अपना पूरा कंट्रोल कर लिया। इसके अलावा और भी हैं, इंडियन किसान एसोसिएशन लाइक इंडियन, द ऑल इंडिया किसान कांग्रेस, ऑल इंडिया किसान कामगार सम्मेलन, अखिल भारतीय किसान संघ,
पीजेंट ग्रुप हैव मेनली, तो ये सारे क्या हैं, टेरिटरी वाइज है कि क्षेत्र के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर कोई ना कोई इस तरह से क्या है किसानों की हितों के रक्षा के लिए ग्रुप्स बनाए गए हैं। और आज लगातार किसान गवर्नमेंट के साथ अड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात ये, एक प्रेशर ग्रुप का सबसे बड़ा एग्जांपल आज हमारे सामने को देखने को मिलता है कि आज जो किसान दिल्ली में डटे हुए हैं उस कानून को ख़त्म करने के लिए, तो ये क्या है, ये भी एक प्रेशर ग्रुप का ही एग्जांपल है हमारे सामने। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है कि सारे देश के किसान मिलकर एक हो गए हैं। आगे अगर हम बात करें तो हम कहेंगे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया हैव ऑल्सो एक्टेड एज द प्रेशर ग्रुप। आज स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी एक ग्रुप के रूप में काम कर रही है। द ऑल बंगाल स्टूडेंट एसोसिएशन फॉर्म्ड इन 1928, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन 1936 में बनी। आफ्टर इंडिपेंडेंस द पॉलिटिकल पार्टीज कंटिन्यू टू एफिलिएटेड द स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ तक कि आज़ादी के बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी अपनी तरफ से कोशिश की कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का जन्म किया जा सके, मतलब कि उनको बढ़ाया जा सके, कि उन्हें कहीं ना कहीं ये जो युवा पीढ़ी है हमारी, जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडिया आर कंट्रोल द कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया, रेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये सभी क्या हैं, डिफरेंट कहीं ना कहीं ये सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जुड़ी हुई हैं, जो सभी प्रेशर ग्रुप्स हैं। कम्युनिटी एसोसिएशन, अपार्ट फ्रॉम दीज देयर इज़ ए वेरियस कम्युनिटी एसोसिएशन इंडिया। कम्युनिटीज़ के हिसाब से भी अलग अलग कास्ट को लेकर, क्लास, रिलीजन के से रिलेटेड प्रेशर ग्रुप हमारे यहाँ पे बनाए गए हैं। जैसे कि हम कास्ट के एग्जांपल में गए तो हम कहेंगे कि शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, बैकवर्ड कास्ट फेडरेशन, तो ये सब क्या है, कास्ट के अकॉर्डिंग प्रेशर ग्रुप बनाए गए हैं। ऐसे ही विश्व हिंदू परिषद, नॉर्थन साउथन इंडियन क्रिश्चियन कॉन्फ्रेंस, ये सब क्या हैं, प्रेशर ग्रुप्स बनाए गए हैं। और सभी ये प्रेशर ग्रुप क्यों बनाए गए हैं, ताकि वो क्या है, अपना सेफ गार्ड कर सकें, अपने हितों की रक्षा के लिए ये ग्रुप्स मिलकर खड़े हो सकें और लड़ सकें। आगे हम बात करेंगे कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन से मेथड्स के थ्रू प्रेशर ग्रुप इंडिया के अंदर अपने प्रभाव को गवर्नमेंट के ऊपर बना के रखते हैं, वो कौन कौन से मेथड्स को यूज़ करते हैं। द प्रेशर ग्रुप्स अडॉप्ट डिफरेंट मैथड्स टू रियलाइज देयर गोल्स। अपने गोल्स को पूरा करने के लिए प्रेशर ग्रुप्स अलग अलग मैथड्स को यूज़ करते हैं। और अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू इलेक्शन के टाइम की बात करें, इलेक्शन के टाइम की बात करें या नॉन इलेक्शन टाइम की भी बात करें, तो भी हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा ऐसे तरीके हैं, मैथड्स हैं, जिनके थ्रू प्रेशर ग्रुप अपना प्रभाव डालते हैं। सबसे बड़ा उनका तरीका क्या होता है, प्रदर्शन करना, हड़तालें करना, धरने देना, रैलियां निकालना, गवर्नमेंट के खिलाफ जुलूस निकालना, फिर उसका प्रचार करना, अपने साथ और लोगों को जोड़ना, लोगों को जागरूक करना कि सरकार कैसे उनकी गलत पॉलिसीज़ बना रही है, तो ये किसका काम है, दबाव समूहों का काम है, ठीक है ना। तो एक तरह से वो सारी क्वालिटीज़ होती हैं प्रेशर ग्रुप के थ्रू, जिसके थ्रू वो उनको अपनी क्वालिटीज़ के थ्रू अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाते हैं। सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है प्रेशर ग्रुप के अंदर, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज़, अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, मास मीडिया को अपने साथ जोड़ते हैं, इकोनॉमिक पावर, मोबिलाइजेशन टेक्निक्स। तो सबसे बड़ी पहले हम बात करेंगे लीडरशिप की, कि सबसे बड़ी बात कि दबाव समूह के अंदर लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ होती हैं। क्यों, क्योंकि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती हैं या ऐसे कोई दबाव समूह बनाए जाते हैं, तो कोई ना कोई वो क्या है, इस तरह से उनको क्रिएट किया जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर या जो पॉलिसी मेकिंग एजेंसीज हैं या पब्लिक हैं, उनके ऊपर वो अपना पूरा प्रभाव डालते हैं, वो पूरी तरह से फोर्स करते हैं, उनमें ऐसी लीडरशिप क्वालिटीज़ उन ग्रुप्स में डाली जाती है। सेकंड हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज़ होती हैं, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क है, कोई एक इंसान नहीं अड़ सकता। जब मिलकर वो एक मुट्ठी बन जाते हैं, मिलकर वो एकता के साथ काम करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, तो ऐसे में क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पॉलिटिकल सिस्टम को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। मास मीडिया, थर्ड पॉइंट, मास मीडिया आज इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आपको घर बैठे देश के कोने कोने की खबर मिलती है, तो मास मीडिया का सबसे बड़ा रोल है प्रेशर ग्रुप्स की इन्फ्लुएंस को कंट्री के ऊपर बढ़ाने में। क्योंकि जब भी प्रेशर ग्रुप्स के थ्रू कोई प्रोपोगंडा किया जाता है, कोई प्रचार किया जाता है, किसी तरह की कोई धरने दिए जाते हैं, रैलियाँ दी जाती हैं, तो आम जनता तक उनकी आवाज़ को कौन पहुँचाता है, मास मीडिया के थ्रू पहुँचाया जाता है।
फोर्थ पॉइंट हम कहेंगे इकोनॉमिक पावर बेस। द इकोनॉमिक पावर ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप इज़ क्रूशियल फैक्टर। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के की वजह से ही खड़े रहते हैं। ये जो अलग अलग वो प्रोपोगंडास करते हैं, प्रचार करते हैं, धरने देते हैं, अलग अलग प्रचार के नए नए साधन निकालते हैं, तो वो उनकी अपनी एबिलिटी होती है इकोनॉमिक, उन्होंने अपना एक ऐसा पावर बनाई होती है जिसके थ्रू वो अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग करके इन सब चीज़ों में आगे बढ़ते हैं। मोबिलाइजेशन टेक्निक्स इफेक्टिव, जो सबसे इफेक्टिवनेस क्या होती है प्रेशर ग्रुप्स की, वो क्या है, लोगों तक अपनी बात को पहुंचाते हैं, लोगों तक अपने ओपिनियंस को पहुंचाते हैं, और यहाँ तक कि लोगों के ओपिनियंस को जानने की भी कोशिश करते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकें और अपनी बात को लोगों तक पहुँचाकर मास मीडिया के थ्रू क्या है, वो अपने बात को लोगों तक पहुंचा के उनके ऊपर अपना प्रभाव डाल सकें। तो ये क्या है, हम ये कहेंगे कि ये अलग अलग मेथड्स हैं प्रेशर ग्रुप्स के। दूसरी बात अगर हम करें कि फंक्शन क्या है, रोल क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है प्रेशर ग्रुप की, तो आज एक लोकतांत्रिक देश में, डेमोक्रेटिक कंट्री में, प्रेशर ग्रुप्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जैसे कि इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, खासकर वो सभी लोग एक तरफ मिल जाते हैं, सभी वो लोग एक इकट्ठे हो जाते हैं जो एक प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, जिनके एक जैसे इंटरेस्ट होते हैं, वो एक साथ मिलकर अपने इंटरेस्ट के लिए सरकार से लगातार लड़ते हैं। एजेंट्स होते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के, क्योंकि प्रेशर ग्रुप्स क्या है, एक एजेंट के रूप में भी काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, सोशलाइजेशन मतलब समाज के लोगों तक अपनी बात को कैसे पहुंचाते हैं, वो दोनों तरफ वो एक लिंक का काम करते हैं, लोगों के बीच में और सरकार के बीच में, वो सरकार की बात तक लोगों तक पहुँचाते हैं और लोगों की बात को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। ये एक उनका सबसे बड़ा रोल है। फिर हम ये कहें कि कहीं ना कहीं उनका सबसे बड़ा रोल क्या है, कि वो हमारी लेजिस्लेटिव प्रोसेस पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। जब भी कोई पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की जाती हैं, तो अगर कहीं ना कहीं ये लगता है प्रेशर ग्रुप्स को कि पॉलिसी सही नहीं है, ये इंटरेस्ट में नहीं है, तो ऐसे में वो सब मिलकर अपने अलग अलग मेथड्स को यूज़ करके प्रेशर ग्रुप के ऊपर अपना पूरा प्रभाव डालते हैं। यहाँ तक कि प्रेशर ग्रुप और एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। क्यों, जब भी जो नौकरशाही है ये सबसे बड़ा रोल प्ले करती है गवर्नमेंट को चलाने में, तो प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो यूजुअली क्या है, इनके द्वारा बनाई गई पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट होने से रोकने के लिए ब्यूरोक्रेसी पे अपना बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। आगे हम बात करेंगे कि रोल इन जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। प्रेशर ग्रुप कहीं ना कहीं जुडिशियल सिस्टम के ऊपर भी अपना प्रभाव डालते हैं, ताकि वो अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड कर सकें। जैसे कि गवर्नमेंट के थ्रू कोई भी डिसीजन लिए जाते हैं, अगर कोई पॉलिसी ऐसी है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, तो वो क्या है, जुडिशियल पावर को भी यूज़ करके जुडिशरी तक अपनी बात को पहुंचा कर क्या है, वो उन पॉलिसीज़ को प्रभावित करते हैं। फिर पब्लिक ओपिनियन डेमोक्रेटिक कंट्री में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। जो भी गवर्नमेंट के द्वारा लॉज बनाए जाते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं, डिसीजंस, पॉलिसीज़ ली जाती हैं, तो ये इंटरेस्ट ग्रुप क्या है, अगर उनको लगता है कि वो गलत हैं पॉलिसीज़, तो वो पब्लिक ओपिनियन को भी अपने साथ लेकर गवर्नमेंट के ऊपर इसका अपना प्रभाव डालते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये ऐसे तरीके हैं ये जो क्या है प्रेशर ग्रुप यूज़ करते हैं, और प्रेशर ग्रुप क्या है, कहीं ना कहीं इन सब मेथड्स को यूज़ करके अपने इन्फ्लुएंस को, अपना इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। कई तरह के कैंपेन चलाते हैं, कई तरह के आंदोलन करते हैं, यहाँ तक कि वो क्या है लेजिस्लेटिव पे भी अपना पूरा प्रभाव डालते हैं। तो ये क्या है, ये अलग अलग तरीके हैं, ये इसकी इम्पोर्टेंस है जिसके थ्रू प्रेशर ग्रुप सोसाइटी के अंदर अपनी जगह बना के रखते हैं। अब हम ये कहें कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर ग्रुप की शॉर्ट कमिंग्स भी हैं, कमियां भी हैं जो देखने को मिली हैं। कैसे, सबसे बड़ी कमी हम ये कहेंगे कि नैरो सेल्फिश इंटरेस्ट है, क्योंकि वो जो प्रेशर ग्रुप्स जब सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं, बाकी जो प्रेशर ग्रुप्स हैं या कंट्री के बारे में या आम नागरिक के बारे में ना सोचकर सिर्फ वो अपने लिए काम करते हैं, तो हम ये कहेंगे कि वो अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। वो अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं और अपने ही इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल इंटरेस्ट के लिए लगातार वो काम करते हैं, यहाँ तक कि वो अपने रिलीजियस, रीजनल और एथनिक इश्यूज़ को लेकर कई बार सरकार के साथ लड़ते हैं, तो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कई बार वो काम करते हैं, तो हम कई बार ये कहेंगे कि नैरो सेल्फिश इंटरेस्ट उनके हो जाते हैं। फिर हम सेकंड पॉइंट में ये कह सकते हैं कि मिसयूज़ ऑफ पावर, कि कई बार प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो पावर का मिसयूज़ भी करते हैं।
ठीक है ना, उनके हाथ में कई, जैसे हम हड़तालें करके, धरने करके, भूख हड़ताल करके, कई बार वो गलत मांगों के लिए भी अड़ जाते हैं, तो ये पावर का मिसयूज ही है। इंस्टेबिलिटी, मोस्ट ऐसे पावर ग्रुप्स जो हैं, जो क्या है, कई बार एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते, अनस्टेबल रह जाते हैं, क्योंकि उनके बीच में किसी तरह से, हम ये कहेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एकता की कमी होती है। वो मिलकर एक ग्रुप बना तो लेते हैं, लेकिन वो ग्रुप कई बार क्या है, एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते हैं और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो हम ये कहेंगे, जैसे नेक्स्ट लाइट मूवमेंट स्टार्टेड 1967 में, नेक्स्ट लाइट मूवमेंट चलाया गया इन वेस्ट बंगाल, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो ये क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, क्योंकि कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं किया गया कि ऐसा कोई काम प्रेशर ग्रुप्स के द्वारा किया जाए जो क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। वैसे तो प्रेशर ग्रुप एक ऐसा वर्ड है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में डाला ही नहीं गया, उसके बारे में कोई हमारे यहाँ पे आर्टिकल नहीं है, किसी तरह की कोई बात नहीं की गई है, लेकिन फिर भी हर डेमोक्रेटिक कंट्री, कोई भी वर्ल्ड के अंदर डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ इस तरह के प्रेशर ग्रुप्स पाए जाते हैं। तो अब हम क्या कहेंगे लास्ट में, हम सिर्फ यही कहेंगे कि प्रेशर ग्रुप क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि प्रेशर ग्रुप सरकार के ऊपर अपना प्रभाव तो डालते ही डालते हैं, लेकिन कई बार उनकी द्वारा जो पॉलिसीज़ हैं, सरकार के द्वारा बनाई गई पॉलिसीज़ को लेकर, वो सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट के लिए अड़ जाते हैं और वो ये नहीं सोचते कि इसके अलावा उनका प्रभाव, उनका जो थिंकिंग है, उनका कंट्री पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, और प्रेशर ग्रुप्स पे, यहाँ तक कि आम आम जीवन पे, आम लोगों के जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए हम लास्ट में सिर्फ ये कहेंगे कि दबाव समूह होने बहुत ज़रूरी है, कि भारत की राजनीति में मुख्य रूप से, चाहे वो उद्योगपतियों के समूह हैं, बड़े बड़े किसानों के समूह हैं, व्यापारियों के प्रभाव समूह के अधीन रहती है। तो हम ये कहेंगे कि भारत में दबाव समूह हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा प्रभावी रूप से संगठित नहीं हैं जितने की प्रभावी रूप से अमेरिका या जो और वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनके जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो क्या हैं, एक तरह से एकता में जुड़कर काम करते हैं, उस तरह से काम हमारे भारत में नहीं हो पा रहा है। आई होप आपको प्रेशर ग्रुप्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच।